हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो इधर ये हैं हमारे बड़े वाले भाई और इधर ये हैं हमारे छोटे वाले भाई, जो कि सुबह सुबह आ चुके हैं हमारे घर, क्योंकि आज है 31 अगस्त और हम सब सेलिब्रेट करने वाले हैं रक्षाबंधन का त्यौहार। तो सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो इधर हमारी रक्षाबंधन की थाल भी रेडी हो चुकी है और सुबह सुबह सबको राखी बंधवाने के लिए नहा वहा के रेडी हो गए हैं, क्योंकि आज 31 अगस्त को सुबह 7 बजे का ही मुहूर्त है। तो इधर सभी लोग हो गए हैं रेडी राखी बंधवाने के लिए और हमारा बाबू अभी रो रहा है बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसको बाहर घूमना है। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं राखी। और आप सबकी राखी कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 31 अगस्त को सुबह 7 बजे तक का ही मुहूर्त है, तो हमारे दोनों भाई सुबह 6 बजे ही आ गए थे राखी बंधवाने के लिए। उसके बाद हम लोग भी हो गए नहा वहा के रेडी। तो अभी सब कोई रेडी होके बैठे हैं राखी बंधवाने के लिए और इधर हमारे भाई बैठे हैं। तो शुरुआत करते हैं घर के सबसे बड़े सदस्य से, जो कि है मेरे हस्बैंड जी। तो सबसे पहले उन्हें राखी बांधी जा रही है। आप सभी अगर जानना चाहते हैं कि हमारा आज का रक्षाबंधन का पूरा दिन कैसे निकला, हमने पूरे दिन में क्या क्या किया, कैसे क्या बनाया, क्या खाया, कैसे सेलिब्रेट किया, तो अब ब्लॉग पे पूरा बने रहें। और ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अभी हमारे साथ ब्लॉग पर बने रहे। हमारे दोनों देवर जी अभी इंतज़ार कर रहे हैं लोग उनकी बारी कब आएगी। तो फाइनली उनकी बारी भी आ गई मिठाई खाने की और वो लोग भी खुश हो गए कि अब हमें भी फाइनली मिठाई खाने को मिले। इधर हम सब अभी राखी बांधने में मस्त है कि हमारे छुट्टू को अपनी ही पड़ी थी कि हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा और वो खुद ही से मिठाई लेकर खाने लगा। वो एक मिठाई लेके गायब हो चुका है। इधर हमारे देवर जी लोग का नंबर कंप्लीट हो गया, अब बारी आएगी हमारी। तो अब चलते हैं हम भी राखी बनवाने। और इधर हमारे घर वाले भी वीडियो कॉलिंग पे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं कि हम लोग राखी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो वहाँ अपने घर थे और हम अपने ही घर। रक्षाबंधन में यही तो होता है कि सब लोग एक जगह चाह के भी नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं, किसी को अपने घर आना होता है तो किसी को अपने घर जाना होता है, तो ऐसे करके। लेकिन ऐसा होना चाहिए ना कि सब लोग एक जगह भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि रक्षाबंधन के दिन भी अपने भाई बहन से नहीं मिल पाते, नहीं राखी बांध पाते, जैसे कि हमारी दोनों दीदी लोग हैं, मेरी दोनों ननद लोग जिनकी दूर दूर शादी हुई है, वो लोग भी नहीं आ पाती, बस राखी भिजवा देती हैं। और मेरी दीदी की भी शादी दूर ही हुई है तो वो भी रक्षाबंधन में नहीं आ पाती है, बस राखी भिजवा देती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कभी कभी तो मतलब सब लोग साथ में राखी बांध सकते हैं। कभी कोई आ जाए तो कभी कोई चला जाए, तो ऐसे किसी को भी नहीं समझ में आएगा। अब भाई बहन होते हुए भी किसी को सेलिब्रेट करने को नहीं मिले तो ये चीज़ तो बुरा लगता है। तो सबसे पहले मैंने अपने छोटे वाले भाई को राखी बांधा। वैसे तो शुरुआत बड़े से करते हैं, लेकिन हमेशा हम बड़े से ही शुरुआत करते थे, लेकिन आज मैंने पहले छोटे वाले भाई को ही बांध लिया। अभी छोटे भाई को राखी बांध ही रही थी कि बड़े भाई को अचानक से याद आया कि उसने तो राइट हैंड में वॉच पहनी है, तो उसने धीरे से वॉच खोल के रख दिया, क्योंकि उसी हाथ में उसको राखी बंधवाना था। तो अभी जब तक मैं राखी बांध रही थी तब तक वो भी बेसब्री से अपनी बारी का इंतज़ार करेगी, कब मेरी बारी आएगी, कब मेरी बारी आएगी। तो अब फाइनली उनकी बारी भी आने वाली है। यहाँ पे हम भाइयों को अपने एक मतलब सभी बहन की तरफ से राखी बांध रहे थे, तो मैंने भी अपने अपने भाइयों को दो दो राखी बांधी, एक दीदी की तरफ से एक मेरे तरफ से। तो फाइनली बड़े भाई की बारी आ गई।
बड़े भैया को राखी बांधने के बाद मैंने बाबू को भी उसकी मौसी की तरफ से राखी बांध दिया। उसके बाद आई बारी हमारी दक्षिणा की, तो भैया ने तो पहले ही निकाल के हाथ पे रख दिया था। अब बारी आई छोटे वाले भाई की, तो इस बार कुछ स्पेशल बात ये है कि वो पहली बार मुझे अपनी कमाई से पैसे दे रहा था, तो बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद दोपहर में जब हम लोग खाओगे सो गए, सो के उठ लिए, उसके बाद आई मेरी भाभी जी, दोपहर के 1 बजे आई थी। मैं सो के 1 नींद उड़ चुकी और ये आते आते हमारी प्रिसा भी सो गई थी, तो बाबू उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। इस सुबह में वो अपने भाई के घर गई थी राखी बांधने, तो इसलिए वो दोपहर में आई राखियों की, वहाँ से राखी वाखी बांध के। तो अभी प्रिसा तो सोई है, जब वो जगेगी तो वो बाबू को राखी बांधेगी, उसके बाद मैं भाभी को राखी बांधूंगी। तो ये देखिए कैसे बाबू यहाँ उसको जगा रहा है। तभी हमारा एक पार्सल भी आ गया मीशो से, जो मैंने मंगाया था, और ये हमारी ननद जी के लिए गिफ्ट है। ये उनको बहुत ही पसंद है। वैसे मुझे गिफ्ट में किसको क्या दूँ कुछ समझ भी नहीं आता है, तो मैंने उनको पसंद से ही पूछ लिया था कि उन्हें क्या चाहिए, तो उनको ये ड्रेस बहुत पसंद था तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। और ये उनके लिए मेरे तरफ से राखी का गिफ्ट। अभी वो हमारे सामने ही कैमरे के सामने ही ओपनिंग करेंगे, तो देखिएगा आप लोग और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। ये ड्रेस इनको काफ़ी दिनों से पसंद था। अभी मैंने उन्हें बोला जाइए इसको पहन के दिखाइए कैसा लग रहा है, अभी उसे खोल के देख रही हैं कैसा आया है। वैसे आया तो सही है, पहनने के बाद देखिए कैसा लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद प्रिशा को भी मैंने उसका गिफ्ट दे ही दिया और वो गिफ्ट लेकर बहुत ही खुश हो गए, उसी के साथ खेलने लगी। राखी तो हम लोग बाद में बांधेंगे, क्योंकि हम लोग अभी कर रहे हैं किसी का वेट, कि हम सोचे कि सबको साथ में आ जाएगा तो फिर से साथ ही में सबको राखी बांध देंगे, लेकिन उन लोग आने में अभी लेट होगा, तो मैं भाभी को पहले ही राखी बांध देती हूँ, क्योंकि वो घर जाने वाली हैं, लेकिन वो बाद में प्लान चेंज हो गया, बाद में 1 दिन रुकने का प्लान बन ही गया। सबके कहने पे भैया भाभी मान गए 1 दिन रुकने के लिए, उसके बाद मैंने भाभी को भी राखी बांध दिया। उसके बाद बारी आई बाबू को राखी बंधवाने की, तो बाबू तो पहले ही राखी देख के डर गया, क्योंकि वो लाइट वाला राखी था, तो वो पहले ही देख के डर गया। हम लोगों ने कितना भी कोशिश किया उसको पकड़ के बंधवाने की, लेकिन वो बंधवाया ही नहीं। फिर जिसका हम लोग वेट कर रहे थे वो भी आ ही गए राखी बांधने के लिए। ये है लोग हमारी ननद ही हैं लोग, बगल वाली जो आई थी उनको राखी बांधने के लिए। हम लोग इन्हीं का वेट कर रहे थे सुबह से, क्योंकि लोग गए थे अपने नानक घर, जा सकते हैं लेट हो गया। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये है हमारी प्रिसा का ड्रेस, उसका पहना है, हमने यही ड्रेस उसके लिए मंगाया था। तो
अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने भाई बहन के साथ सेलिब्रेट करते रहिए रक्षाबंधन का त्यौहार। तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन।